हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। ठीक है, और आप लगातार मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे और आपको वीडियो मेरा पसंद में आ भी रहा होगा। ठीक है मित्र, देखिए मित्र, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं, ये वीडियो एक अलग टाइप का वीडियो है। एक अलग टाइप का मतलब एक विशेष टाइप का वीडियो है, और ये वीडियो को अगर हम कहें तो ये अपने आप में एक तरीके से ऐतिहासिक जैसे विषय को एक फिल्म के रूप में एक ट्रेलर के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। और ये जो प्रेजेंटेशन होगा मित्र, ये प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत तीनों रूपों में आपके सामने प्रयोग किया जाएगा। लेकिन हाँ, जो आज आपके सामने वीडियो उपस्थित किया जा रहा है, ये वीडियो प्राचीन इतिहास को लेकर उपस्थित किया जा रहा है, और ख़ास तो प्राचीन इतिहास में जितने भी उत्तर भारत के जो भी शासक हैं, जितने भी उत्तर भारत के शासक हैं जो केंद्रीय सत्ता में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं उत्तर भारत में, मुख्य रूप से उन्हीं शासकों के बारे में आज अध्ययन करना है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एक टेलर के रूप में पूरी आप प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट शासक हैं एवं उनका कार्यकाल और उनकी राजधानियां और वो किस वंश से रिलेटेड हैं, इतने आपके क्वेश्चन के बारे में आज पता होना है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि कम से कम समयों में आपके प्राचीन इतिहास संबंधी जैसे विषयों पर उत्तर भारत के लेकर एक अपने आप में समझ बन जाएगी। जी हाँ, तो यहाँ तक ये बातें हो गई कि आज हमको किस टॉपिक पर अध्ययन करना है और किस लिए अध्ययन करना है। देखिए मित्र, इसके माध्यम से आपको इतिहास संबंधी जैसे विषयों के बारे में, सिलेबस के भी बारे में पता चल जाएगा। क्लियर कि आखिर में प्राचीन इतिहास में मुझे पढ़ना क्या क्या होता है, और ख़ासतौर उत्तर भारत में किन किन चीज़ों का हमको अध्ययन करना होता है, इसके बारे में पता चलेगा। देखिए मित्र, हम इस पूरे वीडियो को कोशिश करेंगे कि एक ऐतिहासिक जैसे विषय को फिल्म के रूप में ट्रेलर के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए हम इसको 6 भागों में लेकर आएंगे, और इन 6 जो भागों में जो वीडियो होगा इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा मित्र, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह अपने आप में एक तकनीकी है। यह अपने आप में एक तकनीकी होगा कि जिससे कि आपकी इतिहास की कम समयों में अधिक से अधिक समझ भी विकसित हो जाएगी, और ख़ास आपको इतिहास के प्रति पढ़ने में रुचि भी उत्पन्न कर देगा ये वीडियो। जी हाँ, ऐसा मेरा विश्वास है कि ऐसा होगा। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप उस कंपटीशन में सफल होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आज के लिए आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के लिए ही नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो 6 खंड में ये वीडियो आएंगे, उस सारे वीडियो आपके लिए देखना आवश्यक ही नहीं, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अनिवार्य है। और ख़ास तौर ये जो नए विद्यार्थी हैं, उन नए विद्यार्थियों के लिए तो ये वीडियो आज एक तरीके से अपने आप में रामबाण साबित होने वाला है। जी हाँ, इतना मानकर चलिएगा। अगर नहीं साबित होइएगा तो आप कमेंट करिएगा। अगर इससे अच्छा आप को कोई और समझा दे तब भी आप मुझे बताइएगा। हाँ, लेकिन नए विद्यार्थी की मैं बात कर रहा हूँ, नए विद्यार्थी के रूप में जो कम से कम समयों पर आपकी इतिहास पर इतनी बड़ी समझ विकसित कर देगा। ठीक है, एक इंटरेस्ट जगा देगा कि इतिहास में मुझे क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो आइए अब हम इसकी चर्चा करते हैं, और इसकी चर्चा करने से पहले हम आपकी थोड़ी सी समय लेते हैं भूमिका बनाने में। देखिए मित्र, इसके पहले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने इतिहास की परिभाषा बताई है, इतिहास का महत्व बताया है, इसके अलावा मैंने इतिहास के प्रकार भी बताए हैं। इतिहास के प्रकार के संदर्भ में अगर देखेंगे तो मैंने आपको बताया भी हूँ कि इतिहास के 3 खंडों में बांट कर अध्ययन किया जाता है, एक प्राग ऐतिहासिक, एक आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मैंने किसको रखा था? प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मैंने पाषाण काल को रखा था, यानी पाषाण काल के ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में मैंने बताया था। और दूसरा, मैंने प्राग आदि ऐतिहासिक के खंडों में चर्चा किया था, और आदि ऐतिहासिक
के भागों में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के इतिहासिक जैसे घटनाओं के बारे में चर्चा किया था। इसके अलावा अब आता है जो थर्ड भाग है, यानी जो तीसरा भाग है इतिहास का पार्ट, वो होता है ऐतिहासिक भाग। और ऐतिहासिक भाग में मैंने आपको बताया था कि ऐतिहासिक कालखंड उन घटनाओं से रिलेटेड है जहाँ पर एक तरीके से लिपियों के लिए पढ़ने और समझने और लिखने की कला होती है। ऐसे कालखंड को हम ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखते हैं। और ऐतिहासिक कालखंड को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो ऐतिहासिक कालखंडों को हम तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों मित्र? तीन भागों में बांटते हैं। और ज़्यादातर प्रश्न जो पूछा जाता है वही इसी तीन कालखंडों से ही पूछा जाता है। तो ऐतिहासिक कालखंड को कितने भागों में? तीन भागों में। कौन कौन से? एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक काल। ठीक है, ये तीन कालखंड में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। और कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न आपके आते हैं वो आधुनिक भारत से, इतिहास से आते हैं। लेकिन हाँ, जान लीजिए मित्र, यदि आप एक सिविल के स्टूडेंट हो, यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि इतिहास अपने आप में एक मदर विषय है। जब तक आप इसकी एक समझ विकसित नहीं, डेवलपमेंट कर पाते हो, तब तक आप एक तरीके से किसी भी टॉपिक पर लिखने के लिए आप उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण नहीं कर सकते हैं यदि आपको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको किसी चीज़ पर लिखना हो मेंस के विजन से, तो आपको कम से इतिहास के बारे में तो अच्छी पकड़ होनी ही चाहिए, ताकि आप उसकी भूमिका का जबरदस्त निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए इतिहास जैसे जटिल विषयों को समझ विकसित करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ये वीडियो लाया जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या कहा, इसके पहले मैंने ये कहा कि ऐतिहासिक काल को तीन खंडों में बांट कर देखा जाता है, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास, एक आधुनिक भारत। तो जो मेरा छह खंड में जो वीडियो आएगा, तो उसमें कौन कौन से खंड आएगा पहले इसको समझ लेते हैं। तो जो छह खंडों में जो वीडियो आएगा, वो आएगा पहला प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम उत्तर भारत के जितने भी शासक हैं, उन सारे शासक के नाम और उनका टाइम पीरियड और उसका वंश और एवं उसके राजधानी के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा जो वीडियो आएगा वो प्राचीन भारत से दक्षिण भारत, प्राचीन इतिहास में जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। फिर इसके बाद जो तीसरा वीडियो आएगा वो आएगा मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास में जो उत्तर भारत के शासक हैं उन शासकों का कार्यकाल, उनका वंश, उनकी राजधानी के संदर्भ में चर्चा होगा। और जो चौथा वीडियो आएगा मित्र, वो आएगा क्या, वो आएगा मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में जो दक्षिण भारत के जितने भी फेमस वंश हैं और उनकी राजधानियां हैं उनके संदर्भ में चर्चा होगी, और उनके शासकों का क्रम आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक, इसके बाद जो पांचवा वीडियो होगा वो आधुनिक भारत से रिलेटेड होगा, और आधुनिक भारत में भी जो चीज़ें आएंगी वह अपने आप में उत्तर भारत और दक्षिण भारत से रिलेटेड होगी। ठीक है मित्र, तो मैं समझता हूँ कि आपके सामने जो मैंने ये बातें रखी, इन बातों को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि छह खंडों में आएगा। हाँ, लेकिन जो आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये होती है कि खासतौर हम देखते हैं कि इतिहास के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शासक आते हैं, लेकिन उन शासकों का मुझे कहीं एक निश्चित समय में ऐसा नोट्स नहीं किसी बुक में मिलता है कि जहाँ पर सारे शासकों का नाम एक जगह लिखा हो और उनका टाइम पीरियड एक जगह लिखा हो, और आपस में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि एक शासक के दूसरे शासक के बीच में कौन सी तुलना थी, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, खासतौर कम से कम पेजों में। तो उसी चीज़ को हम पूरे इतिहास को कम से कम समयों में आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपके इतिहास के प्रति प्रेम जग जाए। क्लियर मित्र? तो आइए देखते हैं इतिहास के जो प्राचीन इतिहास है, जैसा कि ऐतिहासिक काल में प्राचीन इतिहास के संदर्भ में जो उत्तर भारत के शासक हैं, प्राचीन इतिहास में उन सारे उत्तर भारत के शासकों के बारे में मैंने लिखा है। और जैसा कि आप जानते हो कि प्राचीन इतिहास कब से कम माना जाता है, तो समांतर रूप से प्राचीन इतिहास को हम महाजनपदों के उदय से लेकर
अरबों के आक्रमण तक या त्रिपक्षीय युद्ध तक मानते हैं, ठीक है। और मध्यकालीन इतिहास की अगर हम बात कर लें तो मध्यकालीन इतिहास को अगर हम देख लेते हैं, त्रिपक्षीय युद्ध से लेकर प्लासी युद्ध तक के सारे जितने पार्ट आएंगे उसको हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत रख देते हैं। हाँ, इस पर बड़े बड़े इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है, लेकिन हम सामान्यतः रूप से जो बात करते हैं यही बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि महाजनपदों के उदय से लेकर अरबों के आक्रमण तक या त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय युद्ध तक के बीच में जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं हों, चाहे वो उत्तर भारत के शासकों के संदर्भ में हो, चाहे वो दक्षिण भारत के शासकों के संदर्भ में हो, वो प्राचीन इतिहास का खंड होगा, ठीक है। और मध्यकालीन इतिहास का खंड क्या होगा? त्रिकोणात्मक युद्ध से लेकर प्लासी के युद्ध तक के बीच में जितने भी शासक आएंगे, चाहे वो उत्तर भारत के हों, चाहे वो दक्षिण भारत के होंगे, वह मध्यकालीन इतिहास का पार्ट होंगे। और प्लासी के युद्ध के बाद जितने भी शासक आएंगे या जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय आएंगे, वो सारे किसके पार्ट होंगे? वो सारे आधुनिक भारत के पार्ट होंगे। किसके पार्ट होंगे? आधुनिक भारत के पार्ट होंगे। अब जरा समझिए कि इतने बड़े 5000 वर्षों के इतिहास को हम आपको मात्र 6 वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि इतने शासक हैं, इतना कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन हम फिर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मित्र कि इस वीडियो को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुनने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर प्राचीन इतिहास के संदर्भ में देख लेते हैं। तो प्राचीन इतिहास के संदर्भ में पूरे उत्तर भारत के शासकों के बारे में यहाँ लिखा गया है, तो उन शासकों के संदर्भ में हम न केवल उनका नाम देखेंगे, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि आखिर में कहाँ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हुआ है। हाँ, इतना जान लीजिए, हम आपको पूरा इतिहास पढ़ाने वाले नहीं हैं। हाँ, 2-3-4 फैक्ट के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पर करते चले जाएंगे, ताकि आपकी समझ विकसित होती चली जाए, ठीक है मित्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्र, पहला अगर प्राचीन इतिहास में हम वंश की बात करें तो सामान्यतः रूप से हर एक वंश की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? हर एक वंश की बात की जाती है। और इसे हर एक वंश जब स्टार्ट होता है मित्र, तो इसी समय भारत में 16 महाजनपदों के उदय के बारे में भी बात होती है। और 16 महाजनपदों का वीडियो मैंने आपके सामने रखा हुआ था, उसको एक बार आप देखिएगा। तो देखिए मित्र, शासकों का एक क्रम देख लेते हैं। देखिए, पहला जो वंश आता है हर्यक वंश आता है। पहला कौन सा वंश आता है? हर्यक वंश आता है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इतिहास को अध्ययन करने के समय सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि आपको तिथि याद होनी चाहिए। हाँ, वो इम्पोर्टेंट तिथि आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इतिहास में क्रमबद्धता को बना सकते हैं। तो एक तरीके से इस वीडियो में आपको तिथि याद कराने का पूरा प्रयास किया गया है कि आपको तिथि याद होनी चाहिए और तत्कालीन समय में कौन कौन सी कुछ घटनाएं घटी थी उसके बारे में भी यहाँ पर आपकी समझ विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि पहला वंश कौन आया है, तो आप कौन सा वंश कहोगे? समांतर रूप से हर एक वंश कहोगे। कौन से? हर एक वंश। तो ध्यान में रखिएगा मित्र, हर एक वंश का प्रारंभ 544 लेकर 412 BC, 544 बीसी लेकर कितने बीसी तक? 412 बीसी तक का हर्यक वंश की बात की जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हर्यक वंश में कौन कौन शासक होते हैं, तो नाम ध्यान से सुनिएगा। हर्यक वंश में बिंबिसार होते हैं, अजातशत्रु होते हैं, उदयन होता है, अनिरुद्ध होता है और नाददशक होते हैं। तो इतने शासक किस वंश में है? हर्यक वंश में। किस वंश में है? हर्यक वंश में है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में वंशों का क्रम सजाने के बारे में पूछता है, आपके एग्जाम में शासकों के क्रम के बारे में पूछता है, इसलिए यहां से ये भी सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध और नाददशक होते हैं। ये हर्यक वंश के शासक होते हैं और सारे शासकों की अपना अपना इम्पोर्टेंट है, इनके द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट कार्य भी किए गए हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पे चर्चा करने वाले नहीं, आपको भी सिर्फ वंश बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, इतना जान लेते हैं कि केंद्रीय सत्ता में ये शासक इस समय भारत में प्राचीन इतिहास में थे,
कब से कब तक, 544 से लेकर 412 तक का जो टाइम पीरियड था वो हर्यक वंश के संदर्भ में था। इसके बाद देख लेते हैं मित्र शिशुनाग वंश, दूसरा वंश कौन आता है, शिशुनाग वंश आता है। और शिशुनाग वंश कब से कब तक रहता है, 412 से लेकर 345 BC तक शिशुनाग वंश रहता है। और शिशुनाग वंश में दो शासक हैं, एक शिशुनाग है और एक कालाशोक है। एक शिशुनाग है और दूसरा शासक कौन है, कालाशोक है। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला देख लेते हैं कि नंद वंश आता है, शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आता है, नंद वंश आता है। और नंद वंश कितने वंश रहता है, 344 BC से लेकर 321 BC का जो टाइम पीरियड रहता है वो नंद वंश का रहता है। कौन सा वंश रहता है, नंद वंश रहता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और नंद वंश का सबसे महानतम शासक किसे कहा जाता है, महापद्मनंद कहा जाता है। और महापद्मनंद के मित्र 9 पुत्र होते हैं, और 9 पुत्र में जो एट लास्ट में महापद्मनंद के बाद जो शासक बनता है उसका नाम कौन रहता है, घनानंद रहता है। कौन शासक रहता है, घनानंद। इसी घनानंद को मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। और मौर्य वंश कितने बीसी से बीसी तक चलता है, 322 बीसी से लेकर 184 BC तक चलता है। 322 BC से लेकर 184 BC तक जो चलता है मित्र, ये चलता है आपका मौर्य वंश। कौन सा चलता है, मौर्य वंश चलता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक दो साल इधर हो सकता है तो उसमें आप गफलत में मत पड़िएगा। इतिहास में लोगों का अपना अपना अलग अलग थोड़ा सा 2-4 साल इधर हो सकता है प्राचीन इतिहास के संदर्भ में, ठीक है। तो मौर्य वंश कब से कब तक चलता है, 322 से लेकर 184 या 185 BC तक चलता है। अब यहाँ से देखिए, कभी कभी पूछ देता है कि मौर्य वंश के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम बताइए। तो आप ध्यान में रखिएगा कि मौर्य वंश का जो अस्तित्व था वो 322 से लेकर 384 BC तक, इतने समय काल तक यहाँ पर कौन सा वंश चला रहा भारत में, मौर्य वंश चला हुआ था। कौन सा वंश चला था, मौर्य वंश चला था। और मौर्य वंश में 3 शासक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्र, और उनके द्वारा भारत में ढेर सारे निर्माण भी किए गए थे और ढेर सारे युद्ध भी लड़े गए थे। और इन्होंने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार भी बहुत ज़्यादा किया था, खासतौर चंद्रगुप्त और अशोक के समय भारत का साम्राज्य विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ था इसी काल के दौरान में, ठीक है। इसके बाद कभी भी भारत में साम्राज्य का विस्तार इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। तो जरा इनका हम नाम देख लेते हैं कि आखिर में मौर्य वंश में कौन कौन शासक हुए थे। तो पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, दूसरा शासक बिंदुसार था, तीसरा शासक अशोक था, फिर कुड़ार था, फिर दशरथ था, फिर संप्रति था, फिर यहाँ पे देखिए शालिसुक था, देववर्मन था, फिर शतधनुष था और बृहद्रथ था। लास्ट शासक कौन था, बृहद्रथ था। कहीं कहीं बताया गया है कि मौर्य वंश में कुल बृहद्रथ जो था वो 10वां शासक था, और कहीं कहीं ये बताया गया है कि बृहद्रथ जो था वह 9वां शासक था। लेकिन आप इतना ध्यान में रखिए, 9वें और 10वें शासक में जल्दी पूछता नहीं है प्रश्न, अगर कभी पूछ देगा तो दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं होंगे। हाँ, ये कभी कभी पूछ सकता है कि मौर्य वंश के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपने इन सारे वंशों को देखा और इन वंश के शासकों के बारे में देखा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्र, मौर्य वंश का पतन जब होता है तो मौर्य वंश के पतन के बाद एक आता है मौर्योत्तरकालीन। और मौर्योत्तरकालीन के दौरान अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से यहाँ पर 3 हिंदू शासक आते हैं, यानी कि ब्राह्मणों का भारत में शासन के रूप में उदय होता है। और दूसरा, उसी मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण होते हैं, और वो 4 विदेशी आक्रमण कौन कौन से होते हैं तो जरा सुन लीजिए। देखिए, जो 4 ब्राह्मण प्रशासनों का उदय होता है वो कौन कौन से होता है, एक तो शुंग वंश होता है, एक कंड वंश होता है और एक सातवाहन वंश होता है। लेकिन यहाँ पर हम सातवाहन शासकों का नाम नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, क्योंकि सातवाहन जो थे वो दक्षिण भारत का हिस्सा हो जाएंगे। किस भारत का हिस्सा हो जाएंगे, दक्षिण भारत का हिस्सा हो जाएंगे, इसलिए हमने उनका नाम नहीं लिया। हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे जो उत्तर भारत के शासक हैं, खासतौर किसमें, प्राचीन इतिहास में। हाँ, अगला वीडियो जो आएगा वह प्राचीन इतिहास में जो दक्षिण भारत के वंश थे एवं उसके शासक थे उसके भी संदर्भ में चर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मौर्योत्तर काल में आपने क्या देखा कि मौर्यों के, यानी मौर्य क्या थे, मौर्य एक क्षत्रिय थे। ज़्यादातर जितने भी साहित्य थे उन्होंने मौर्य को क्या बताया, क्षत्रिय बताया। कुछ लोगों ने बताया था शूद्र थे, लेकिन अब इन क्षत्रियों के पतन होने के बाद यहाँ पर ब्राह्मणों उदय का होता है, ब्राह्मण का उदय होता है। और इस समय मौर्योत्तर जो कालीन होता है मित्र, वो लगभग 300 वर्षों का इतिहास
चलता है, कितने वर्षों का, 300 वर्षों का इतिहास चलता है। हाँ, दक्षिण भारत में अगर देखेंगे तो कलिंग भी शासक, कलिंग एक उड़ीसा में पड़ता है जहाँ का शासक खारवेल था और इसी के समय चेदीवस था, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं ये तीन ब्राह्मण, हाँ तीन ब्राह्मण प्रशासनिक क्षेत्रों का उदय होता है, तो कौन कौन से, शुंगवंश, कंडवंश और सातवाहन वंश। लेकिन इसी समय चार विदेशी आक्रमण होते हैं और उन चार विदेशी आक्रमणों में कौन कौन, पहला आक्रमण कौन हुआ था, हिंदेवनों का आक्रमण हुआ था। कौन सा आक्रमण, हिंदेवनों का आक्रमण हुआ था। और ये आए कहाँ से थे, ये बैक्टीरिया से, अफगानिस्तान से होकर आए थे। इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई हुई थी पेशावर को बनाई हुई थी या तो सियालकोट के बनाए हुए थे। वंशज किसके थे, तो ये एक तरीके से इनका जो ताल्लुक था वो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से था, डायनोसियस से था, इनका उनसे ताल्लुक था। रहने वाले कहाँ के थे, बैक्टीरिया के थे। भारत में राजधानी इन्होंने कहाँ बताई थी, सियालकोट के बनाई थी। हालांकि ये धीरे धीरे आ कहाँ गए थे, धीरे धीरे ये यहाँ पर भी आ गए थे, हिंदुवन का नाम है उत्तर भारत में भी आ गए थे। दूसरा वंश जो आता है, दूसरा जो अटैक करने वाला होता है वो कौन सा होता है, दूसरा अटैक करने वाला यहाँ पर अगर आप देख लेते हैं तो शक थे। कौन थे, शक थे। और जो शक आते हैं मित्र, वो अपने लगभग पांच जगह अपनी राजधानी बनाए होते हैं। कहाँ, पांच जगह अपनी राजधानी बनाए रहते थे। और इन्हीं शकों को हम क्या कहते हैं, सीथियन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीथियन कहते हैं। रहने वाले कहाँ कहते हैं, तो ये ईरान से होकर आए थे, या तो आप कह सकते हो मध्य एशिया से होकर सीथियन या ईरानी लोग आते थे, जिनको हम क्या कहे थे, शक कहे थे। क्या कहे थे, शक कहे थे। और इन्होंने पांच जगह अपनी राजधानी बनाई हुई थी। एक इन्होंने अपनी राजधानी अफगानिस्तान में बनाई हुई थी, ठीक है, और इनको छत्रप भी कहा जाता था। और एक इनको कहा जाता था एक तरीके से उत्तरी छत्रप, और एक तरीके से इनको दक्षिणी छत्रप भी कहा जाता था। लेकिन दक्षिणी छत्रप का मतलब ये मत समझ लीजिए कि दक्षिण भारत। तो जरा समझ लेते हैं कि उत्तरी छत्रप में इन्होंने जम्मू कश्मीर और पंजाब का हिस्सा को लिया हुआ था, और जबकि दक्षिणी छत्रप में इन्होंने अपनी राजधानी महाराष्ट्र और उज्जैन और मालवा को इन्होंने बनाया हुआ था, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पाँच जगह अपनी राजधानी बनाए थे। एक अफगानिस्तान बनाए हुए थे, एक जम्मू कश्मीर बनाए हुए थे, और एक ये पंजाब में बनाए हुए थे। दूसरा इन्होंने मालवा, अगला जो इन्होंने बनाया था मालवा उज्जैन को बनाया हुआ था, और एक इन्होंने किसको बनाया हुआ था, एक इन्होंने बनाया हुआ था महाराष्ट्र को बनाया हुआ था। किसको बनाया हुआ था, महाराष्ट्र को बनाया हुआ था। तो ये ध्यान में रखिएगा कि नहपान जो रहने वाला था वो कहाँ का रहने वाला था, नासिक का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, तो नासिक, नासिक कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और उज्जैन कहाँ पड़ता है, आपके एमपी में पड़ता है। तो यानी शकों का विस्तार जम्मू कश्मीर, पंजाब और एमपी और गुजरात में भी था, क्योंकि रुद्रदामन नासिक था। तो नासिक के साथ वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रुद्रदामन ने ही जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था। तो ये भारत में शकों ने अपनी पाँच जगह एक तरीके से इन्होंने अपना स्थान क्या कर लिया था, बना लिया था, या अपनी राजधानी इन्होंने बना ली थी। ये बात होगी शक के। दूसरा आते हैं मित्र पहलवों, आते हैं कौन आते हैं, पहलवों। हिंदेवनों के पतन होने के बाद, हिंदेवनों के पतन के बाद पहलवों आते हैं, और पहलवों को हम पार्थियन भी कहते हैं। ये भी आने वाले कहाँ से थे, ईरान के रहने वाले थे। इन्होंने भी राजधानी किसको बनाई थी, इन्होंने भी राजधानी जो पहलवों बनाए हुए थे, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाते हैं, इनका तत्काल पतन भी हो जाता है, बहुत कम समय तक रहते हैं। ये भी अपनी राजधानी सियालकोट यानी कि पेशावर के ही पास बनाए हुए थे, लेकिन ये अपना भारत में कोई विशेष कार्य नहीं कर पाए थे जितना ज़्यादा हिंदेवनों और शकों ने किया था। अगला बार जो अटैक होता है वो कुषाणों का अटैक होता है। कुषाण एक यूची जाति थी, और ये आने वाले कहाँ के थे, ये चीन से होकर आने वाले थे कुषाण। और कुषाणों ने भारत में बहुत व्यापक रूप से काम किया, प्रशासनिक क्षेत्र में इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। और इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई हुई थी मित्र, इन्होंने अपनी राजधानी तक्षशिला को भी बनाई हुई थी, और किसको बनाया हुआ था, मथुरा को भी बनाया हुआ था। किसने, कुषाणों ने बनाया हुआ था। और कुषाण का एक बहुत बड़ा शासक, बहुत बड़ा फेमस शासक हुआ करता था, जिसका नाम हुआ करता था क्या, कनिष्क हुआ करता था। किसका, कनिष्क हुआ करता था। लेकिन ध्यान रखिए, कुषाण जो थे उनका विदेशी आक्रमणों में अगर आपसे पूछा जाए कि इन चारों में से कौन अपना सबसे दिनों तक, अधिक दिनों तक अस्तित्व बनाए रखा था, तो आप कहोगे शक। लेकिन इन चारों में अपने आप में कौन सर्वाधिक भारत में कार्य किया था या साम्राज्य का विस्तार किया था, तो कुषाणों ने किया था। किसने किया था, कुषाणों ने किया था। तो ये आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा उनके संदर्भ में हम इन शासकों के बारे में
देख लेते हैं कि आखिर में क्या क्या बातें कहेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं मित्र शुंग वंश। अभी मैंने आपको नाम लिया शुंग वंश। ये शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग था जो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। और ये शुंग वंश जो था पुष्यमित्र शुंग, ये अपनी राजधानी कहाँ बनाया हुआ था? ये अपनी राजधानी विदिशा को बनाया हुआ था। कहाँ अपनी राजधानी बनाया हुआ था? विदिशा में इसने अपनी राजधानी बनाया हुआ था। जबकि मौर्य वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई हुई थी? तो पाटलिपुत्र बनाई हुई थी। कहाँ बनाई हुई थी? पाटलिपुत्र बनाई थी। हर्यक वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो राजगृह बनाई हुई थी। तो थोड़ा सा राजधानी भी ध्यान में आप रखिएगा, जैसा कि अभी मैंने विदेशी लोगों की राजधानियों के बारे में बताया था। पुष्यमित्र शुंग अपनी राजधानी कहां बनाया हुआ था? तो विदिशा में बनाया हुआ था। हां, बाद में चलकर इसने पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र के भी राजधानी बना लिया था, लेकिन प्रारंभ में चूंकि यह हत्या किया हुआ था तो इसलिए इसने जो राजधानी बनाई हुई थी वो विदिशा को बनाई हुई थी। बाद में अधिग्रहण कर लिया था पाटलिपुत्र को भी। हां, इसी के समय ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा तुलनात्मक भी बता देता हूं। पुष्यमित्र शुंग का जो युद्ध हुआ था वो किससे युद्ध हुआ था? हिंद एवनों से युद्ध हुआ था। क्यों? क्योंकि हिंद एवन इसके समकालीन थे। और इसके अलावा जो खारवेल था, जो चेंदी वंश का कलिंग का शासक था, उसका भी युद्ध हुआ था। तो शुंग वंश के जो पैरेलल चलने वाले थे, समांतर चलने वाले थे, वो हिंद एवन थे। और मुख्य रूप से कौन थे? और इसके मुख्य रूप से कौन थे? जो उड़ीसा का शासक था, ठीक है, खारवेल, वो था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखते हैं मित्र पुष्यमित्र यानी शुंग वंश में कौन कौन से शासक थे। तो इनका टाइम पीरियड जरा ध्यान रखिए कि मौर्यों का पतन तो 184 बीसी में हो गया था। इनका वंश स्टार्ट होता है 185 बीसी से लेकर 72 बीसी तक। इस तरीके से अगर मोटे मोटा पकड़ लें तो शुंग वंशों का पूरा इतिहास लगभग 100 वर्षों का था। कितने वर्षों का था? 100 वर्षों का इनका इतिहास था। और इसका अंतिम जो शासक था देवभूति था। कौन शासक था? देवभूति शासक था। इनके शासकों का क्रम देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, फिर वसुमित्र, फिर आंध्रक, फिर पुलिंडक, घोष, वज्रमित्र, भांग और देवभूति। तो थोड़ा सा देख लीजिए, जो ऐतिहासिक संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मित्र, वो पुष्यमित्र, अग्निमित्र और वसुमित्र, ये तीनों शासक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र और वसुमित्र, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अंतिम शासक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है मित्र कि जो ये देवभूति रहता है, इसी देवभूति की हत्या करने वाला कौन रहता है? वसुमित्र रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये वसुमित्र नहीं पुष्यमित्र शुंग वाला, ये कंड वंश का वसुमित्र रहता है जो इसकी हत्या करके, किसकी? देवभूति की हत्या करके जो शुंग वंश का अंतिम शासक रहता है वो किसके वंश की स्थापना करता है? कंड वंश की स्थापना करता है। तो आप देख रहे हो लोग एक दूसरे की हत्या ही करके एक नए वंश का क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो वीडियो है वो क्या है कि एक तरीके से प्राचीन इतिहास के वंशों से, प्राचीन इतिहास से लेकर जितने भी वंश हैं उनको आपस में क्या कर देना? जोड़ देना। और उनके समांतर जो जो भी गतिविधियां चल रही थी उसको आपको ध्यान में लाना, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैं जानता हूं कि मैं इस समय बहुत तेज़ बोल रहा हूं और आपको कंसंट्रेशन बनाने में बहुत दिक्कत भी हो रही, लेकिन बनाना होगा। क्यों बनाना होगा? क्योंकि आपको कम समयों में अपनी इतिहास की एक समझ डेवलपमेंट करनी है। अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो कुछ अच्छा पाना चाहते हो तो आपको कुछ अच्छा करना होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आते हैं, देखते हैं कंड वंश। अगर हम कंड वंश की बात कर लेते हैं मित्र, तो कंड वंश में जो शासक होते हैं वसुमित्र रहते हैं, भूमिमित्र रहते हैं, नारायण रहते हैं, सुशर्मा रहता है। तो इनका बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं रहता है। जिस तरीके से मौर्योत्तर वंश में पहलुओं का विदेशी आक्रमण, जो पहलुओ वंश रहते हैं उनका तत्काल पतन हो जाता है, उसी तरीके से जो कंड वंश के शासक रहता है इनका भी पतन जल्दी हो जाता है। लेकिन हाँ, ध्यान में रखिएगा कि कंड वंश और शुंग वंश और सातवाहन वंश, ये तीनों लोग ब्राह्मण थे जो मौर्योत्तर कालीन में भारत की तरफ से भारत में शासन कर रहे थे। लेकिन मैंने यहाँ पे सातवाहन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सातवाहन दक्षिण भारत का हिस्सा है और हम चर्चा किस कर रहे हैं? प्राचीन इतिहास के उत्तर भारत के शासकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इतना बात को आपको ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं मित्र कंड वंश का अंतिम शासक कौन रहता है? सुशर्मा रहता है। कौन रहता है? सुशर्मा। और इसी की हत्या जो करता है वो जो आप देखेंगे सुसिम, और सुसिम कौन रहता है? सातवाहन का शासक रहता है। उसी की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना करता है, ठीक है। सातवाहन वंश
उसकी स्थापना होता है वही सातवाहन जिसका मेन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी, लेकिन वो दक्षिण भारत का हिस्सा है इसलिए वहाँ पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। अभी मैंने आपके हिंद एवन के बारे में बात किया था। हिंद एवन की अगर देखें मित्र, तो ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब कि एक तरीके से जिस तरीके से इनका शुंग वंशों का टाइम पीरियड प्रारंभ होता है उसी तरीके से यहाँ बैक्टीरिया के लोग भारत में अटैक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं। और ये अपने आप में क्या रहते हैं? विदेशी रहते हैं। इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं सिकंदर के वंशज से था, जैसा संबंध पुलकेशियन डायनेसियस जैसे लोगों से था। तो उसी समय ये भी भारत में आते हैं जिस समय यहाँ पर शुंग वंश का शासन चलता था। अब देख लेते हैं मित्र, यहाँ पर जो हिंद एवन है यहाँ पर मुख्य रूप से शासक कौन है? तो यूथिडेमस है। यूथिडेमस 212 बीसी से लेकर 190 एडी तक रहता है, 190 बीसी तक रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं डेमेट्रियस 190 बीसी तक। अब देखिए 190 बीसी है यहाँ पर और शुंग कितने में? 185 बीसी है। तो इसका मतलब ये हुआ जिस समय शुंग वन यहाँ पर शासक कर रहे थे उसी समय हिंद एवन यहाँ पर आए हुए थे, तो उस समय कौन था? डेमेट्रियस था। और इसके बाद देख लेते हैं मेनांडर। इसे मेनांडर से पुष्यमित्र शुंग से युद्ध हुआ था और मेनांडर क्या हो गया था? पराजित हुआ हो गया था। और मैं आपको बता दूं कि एक तरीके से मालविकाग्निमित्रम जो कालिदास के द्वारा रचित है उसमें मेनांडर और अग्निमित्र में बौद्ध के लेकर संवाद हुआ था जिसमें अग्निमित्र की विजय हुई थी और उसी में मेनांडर क्या था? काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया था। और इसी समय मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ की रचना भी की गई थी जिसमें इन दोनों की चर्चा की गई हुई थी, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गया। तो बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना क्या है? ध्यान यही रखना है कि जिस समय शुंग वंश यहाँ पर थे उसी समय भारतीय में हिंद एवनों का आक्रमण हुआ था। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जितना मेरा फोकस है उसी फोकस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। अब ये तो विदेशी था, इसके बाद दूसरा विदेशी और राजधानी मैंने इसके पहले बताई थी। क्या राजधानी है? हिंद एवनों की राजधानी क्या है बताइए? सियालकोट और पेशावर, इन दोनों जगह पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई हुई थी, क्लियर। और शुंग वंश की राजधानी क्या थी? विदिशा थी। तो विदिशा एमपी, बाद में इन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया था। अगर हम शक वंश की बात कर लें तो ये आए कहाँ से थे? तो ये ईरान से आए हुए थे। इनको सीथियन भी कहा जाता है। शकों को क्या कहा जाता है? सीथियन भी कहा जाता है। और ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में और आए हुए थे और चौथी सदी तक थे। यानी कि मैंने अभी जैसे कहा था कि विदेशी आक्रमणों में इन चारों में सबसे अधिक दिनों तक भारत में कौन टिका रहा? तो सबसे अधिक दिनों तक टिके रहने वाला जो था वो शक थे। शक लगभग आप देख रहे होगे कि ये बीसी में आए थे, लगभग ये 400 वर्षों तक भारत में टिके रहे। कितने वर्षों तक? 400 वर्षों तक ये भारत में टिके हुए थे। इनका अंतिम रूप से पतन किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। इस चीज को ध्यान रखिए कि जो चार विदेशी आक्रमण हुए थे उन चारों में अगर देखा जाए तो कुषाण सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन सबसे अधिक समयों तक कौन बने रहे? तो ये शक बने रहे। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा जरूर। तो इसलिए तुलनात्मक तरीके से चीजों को भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब जरा देख लेते हैं कि शक वंश में जो मैंने बताया था कि शक ने अपनी राजधानी जो बनाए हुए थे भारत में कितने जगह बनाए हुए थे? तो 5 जगह बनाए हुए थे। 5 जगह कहाँ? इन्होंने अफगानिस्तान को भी बनाया हुआ था, जम्मू कश्मीर को भी बनाया हुआ था, पंजाब को भी बनाया हुआ था, उज्जैन को भी बनाया हुआ था, इसके बाद नासिक में भी इन्होंने बनाया हुआ था। 5 जगहों में इन्होंने बनाया था। एक तरीके से अगर हम कहें पूरा उत्तर और पश्चिमी भारत पर इनका कब्जा था। किन का था? शकों का कब्जा था, क्लियर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ, ये है कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है मित्र, तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से नहपान का क्या योगदान है, रुद्रदामन का योगदान क्या है और रुद्रसेन तृतीय का क्या योगदान है। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जैसा कि मैंने इसके पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया गया, यही नहपान था जिसको गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया था। और गौतमीपुत्र सतकर्णी कहाँ का था? सातवाहन वंश का था। सातवाहन वंश यानी कि भारत में अभी मैंने बताया 3 ब्राह्मण वंशों का उदय हुआ था, तो उसी समय सातवाहन के जो शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी, उसने विदेशी शासक नहपान को पराजित किया हुआ था। इसके बाद रुद्रदामन, और रुद्रदामन ने गौतमीपुत्र सतकर्णी के पुत्र पुलमावी को पराजित किया हुआ था। तो इस तरीके से थोड़ा सा तुलनात्मक समझिएगा। मैं आपको एक प्रशासनिक समझ बता रहा हूँ, हिस्ट्री की एक प्रशासनिक समझ आपके अंदर विकसित कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए रुद्रसेन तृतीय। अब जरा
सोचिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी कब था? सातवाहन में था। टाइम पीरियड यहाँ पे कितना है? 130 बीसी से लेकर 150 बीसी में अगर हम देखते हैं तो रुद्रदामन था, और 900 से 24 बीसी में देखेंगे तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। लेकिन जरा सोचिए, रुद्रसेन तृतीय चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको पराजित किया था, और टाइम पीरियड उस समय कितना चल रहा था? 350 एडी के आसपास चल रहा था। तो आप सोच सकते हो कि शकों ने कितना लंबा समय तक भारत में अपना अस्तित्व बनाए हुआ था। क्यों? क्योंकि रुद्रसेन तृतीय को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित करके एक तरीके से शकों का पतन किया था। ठीक है मित्र, तो इतनी बातें आपको समझ में आगे होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहलो वंश का एक शासक था, तो पहलो वंश में एक शासक, बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मित्र, कि जो एक विदेशी था, जो तीसरा विदेशी था पहलवो, ठीक है, इसे पहलवो भी कहते हैं, इसको पार्थियन भी कहते हैं। ये आए कहाँ थे? तो ये ईरान से आने वाले थे। तो ध्यान में रखिएगा, जो शक और पहलवो थे ये ईरान से आने वाले थे, और जो आपके हिंद एवन थे वो बैक्ट्रिया से आए हुए थे, और जो कुषाण थे वो यूची जैसे बिलोंग करते थे, वो कहाँ से आए हुए थे? भारत में, चीन से आए हुए थे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब ये देखिए मित्र, यहाँ पे गाल्डो फर्नीज है। कौन है? गाल्डो फर्नीज है। गाल्डो फर्नीज इस नाम लिया क्योंकि अगर पहलो वंश में कोई एक शासक का नाम फेमस रूप से मिलता है तो वो गाल्डो फर्नीज के नाम से मिलता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एक सेंट थॉमस नाम का एक व्यक्ति रहता है, उसको थॉमस भी कहा जाता है। तो सेंट थॉमस इसी के समय आया हुआ था, और ये आप देख रहे हो कि लगभग 130 एडी के आस बीसी के बाद का ये समय, 130 बीसी में अगर आप देखोगे तो सेंट थॉमस भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए ही एक विशेष अभिलेखों के माध्यम से ऐसा पता चलता है। और लेकिन भारत में ज़्यादातर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कब होता है? जब पुर्तगाली भारत में आते हैं तब, और वो आधुनिक भारत का हिस्सा है, और ये प्राचीन इतिहास का हिस्सा है। और किसके माध्यम से? पहलुओं के माध्यम से। रहने वाले कहाँ के थे? ईरानी के रहने वाले थे। इसी के समय सेंट थॉमस नाम का एक व्यक्ति ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए आया हुआ था, वो एक पादरी था। और देखते हैं मित्र, जो चौथा वंश है भारत में, जो विदेशी आक्रमण चौथा हुआ था वो कुषाणों का हुआ था। किसका हुआ था? कुषाणों का हुआ था। आए कहाँ के रहने वाले थे? चीन के रहने वाले थे। राजधानी इन्होंने कहाँ बनाई थी? तो प्रारंभ में इन्होंने राजधानी तक्षशिला को बनाई हुई थी, बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई हुई थी? मथुरा को बनाई हुई थी। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बाद में कौन आता है चौथा वंश? कुषाण रहते हैं। और कुषाण का जो टाइम पीरियड रहता है मित्र, वो लगभग 15 BC से लेकर लगभग 230 AD तक इनका टाइम पीरियड चलता है। कितना? 230 AD तक चलता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए कुषाण का जो समय था मित्र, वो एक तरीके से जो कनिष्क प्रथम था यही इम्पोर्टेंट शासक था। कौन था? कनिष्क प्रथम, यही इम्पोर्टेंट शासक था जिसके समय भारत में सर्वाधिक कुषाणों का विकास हुआ था। बाद के जो इसमें आपको शासक देखने को मिलते हैं वो उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन ये अपना अस्तित्व आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं भारत में बनाए हुए थे। तो मौर्योत्तर कालीन में अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा अगर कोई विकसित किया अपने आप में तो कुषाण किए। और भारत में अगर आपको बात किया जाए तो भारत में सातवाहनों ने विकास किया था, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत में किया था, जबकि जो कुषाण थे ये उत्तर भारत में अपनी राजधानी बनाए हुए थे। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप कंपेरिजन करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कुषाण वंश 230 AD तक थे, 230 AD तक थे, और आए कब थे? तो BC में आए थे। इस चीज़ को ध्यान में रखें। लेकिन ये 230 AD थी में इनका पतन हो गया था। और इनका कब पतन हुआ था? यहाँ पे लिखा है चौथी सदी में। पराजित कौन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इनका अस्तित्व कब खत्म हो गया था? 230 AD। और इनका अस्तित्व रुद्रसेन द्वितीय जो शक संघ था, लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय 335 AD में इनको ख़त्म किया था। इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिएगा। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तब आपका इतिहास का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बिना कॉन्सेप्ट के कोई भी विषय पढ़ोगे तो एक तरीके से अपने आप में बोझ और उबाऊ तो लगेगा ही ना मित्र। तो इस तरीके से इसको भी एक तरीके से फिल्म के रूप में मानकर इसको देखो, बड़ा मज़ा आता है, इंटरेस्ट भी आता है, ठीक है। कभी देखो पढ़ो तब तो मज़ा आएगा। अब यहाँ पर फिर देखते हैं
कुछ साढ़वंश के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से फेमस शासक होते हैं तो उन शासकों की एक श्रृंखला देख लेते हैं। शासक में कौन है, पहला शासक कुषाणवंश का कुजुल कटफिसस है, दूसरा कौन से भीम कटफिसस है। कार्यकाल देख लेते हैं 15 AD से लेकर 64 AC ईस्वी तक था। तो आप पूरा ये देख लीजिएगा कि 15 से लेकर 230 AD तक था। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर किसी को डेट आपको याद करना है तो हमेशा ध्यान रखिएगा मित्र कि हमको इतिहास के वंश के सारे शासकों का डेट नहीं याद करना है कि उनका टाइम पीरियड कितना से कितना था। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी वंश में 2-3 शासक तो 4 शासक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनका टाइम पीरियड आपको याद करना तो मस्ट ही होगा, क्योंकि उनके टाइम पीरियड में प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और विदेशी व्यापार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ रहता है। इसलिए उनका टाइम पीरियड याद करना मस्ट है। और दूसरा चीज़ ये है कि हमको भले ही किसी वंश के शासकों का टाइम पीरियड न याद हो, लेकिन उनका कालक्रम आपको पता होना चाहिए। उस वंश का दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रहना चाहिए कि इनके बाद ये शासक हैं। भले ही उन शासकों का जो गौड़ है उनका टाइम पीरियड न याद हो, याद किसे होना चाहिए, जो मजबूत शासक हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में आप रखिएगा, क्लियर। अब हम देखते हैं कि इस पूरे वंश का सबसे शासक जिनका पढ़ा जाता है तो कुजुल कटफिसस, भीम कटफिसस और कनिष्क, इन्हीं 3 शासकों से यहाँ से प्रश्न आता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद वसिक आते हैं, हुविस के आते हैं, कनिष्क आते हैं, ठीक है, फिर वासुदेव आते हैं, फिर कनिष्क तृतीय आता है, फिर वासुदेव तृतीय आते हैं। तो इस तरीके से प्रथम और द्वितीय नाम होते हैं। नाम ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने दादा और पूर्वजों से ही प्रभावित होकर उनके कला और कौशल से अपने बच्चों का लोग नाम रखते हैं। उसके पीछे उनके कला और कौशल भी होते हैं और भावनात्मक लगाव भी होता है, इस वजह से नाम इस तरीके से रखे जाते हैं। अक्सर आपने फिल्म देखे भी होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं मित्र, अब इस तरीके से मौर्योत्तर वंश का, मौर्योत्तर वंश में जो हिंदू वंश के जो शासक थे ब्राह्मण, उनका भी पतन हो जाता है। और एक तरीके से आप देखते हैं कि जो मौर्योत्तर वंश के शासक होते हैं उनका भी पतन हो जाता है। अब शुरुआत होती कौन है, अब जरा ध्यान में रखिए, कुषाणों का जैसे ही पतन होता है, चूंकि जो शक थे मित्र वो उत्तर पश्चिम तक सीमित थे, नासिक में थे, उज्जैन में थे, लेकिन वो इधर नहीं आए, पूर्वी भारत में नहीं आए, उत्तर भारत में नहीं आए। क्यों? क्योंकि कनिष्कों ने अपना दबदबा बनाया हुआ था। और जैसे ही गुप्त उठते हैं वैसे ही शकों का प्रभाव भी रुद्रदामन के बाद धीरे धीरे गौड़ पड़ने लगता है। और उधर कुषाणों के पतन के बाद गुप्त वंश उठने लगते हैं, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा कि जो अब अगला आप देखोगे मित्र, अगला देखते हैं यहाँ पर जो आता है गुप्त वंश। कौन आता है, इन वर्धन वंश के बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे अभी, हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, गुप्त वंश के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में, गुप्त वंश के बारे में चर्चा करते हैं। अब जरा समझिए कि गुप्त कौन थे। देखिए मित्र, ऐसा कहा जाता है कि जो गुप्त थे वो कुषाणों के सामंत थे। कुषाण का मतलब जिसका कनिष्क शासक था, उसके सामंत थे। कौन शासक थे, गुप्त वंश शासक थे। 250 AD में आए थे, BC में आए थे, मौर्योत्तर कालीन में सबसे अंतिम रूप से इनका आक्रमण हुआ था। और इन्हीं के सामंत कौन थे, गुप्त थे, लेकिन थे क्या, हिंदू थे, ठीक है। उनके ही सामंत के रूप में ये काम कर रहे थे। तो जब इनके सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे तो अब ये धीरे धीरे कुषाण का पतन हो गया, तो गुप्तों ने क्या किया, अपने आप को धीरे धीरे मजबूत करना प्रारंभ किया। और जब मजबूत करना प्रारंभ किया तो इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मित्र, टर्निंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर प्राचीन इतिहास में देखेंगे तो एक मौर्य वंश और दूसरा गुप्त वंश, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो जो है वो तो लिंक जोड़ने का काम करता है ना। अब जरा देखते हैं, जब गुप्त वंश, गुप्त ऐसा नहीं है कि कुषाणों के समय यही सामंत थे, नहीं, इनके साथ साथ और भी बहुत सामंत थे, बहुत सामंत थे, ठीक है। कौन कौन से सामंत थे, जैसे हम आपको बता देते हैं, गुप्तों के साथ साथ अगर देखेंगे तो नाग वंश एक भी था, वो भी सामंत था। मोखरी कहीं ना कहीं थे, मोखरियों का भी सामंतपन के रूप में देखा जाता है। वाकाटक थे, बल्बी थे, ये सब भी कहीं ना कहीं सामंत थे। लेकिन उभर के आया कौन, गुप्त आया। कौन आया, गुप्त आया। तो पहले हम गुप्तों के बारे में देख लेते हैं, फिर जो गौड़ सामंत थे, यानी कि सामंत ये भी थे लेकिन ये उभर गए, और जो गौड़ सामंत इसलिए कि उन्होंने अपने आप को उभार नहीं पाया,
ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक बाप के चार पुत्र रहते हैं, क्या चारों पुत्र में सभी IAS अधिकारी हो जाते हैं? कुछ तो किसान भी होते हैं, कुछ तो मजदूर भी हो जाते हैं, लेकिन होता कौन है? जो अपने आप को सक्रिय बना लेता है, ठीक है। अपने आप को सक्रिय बनाने का मतलब जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अनुशासन में रखता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, दूरदर्शिता होती है, आलस नहीं रहता है, तमाम बुराइयों से दूर रहता है। उसी तरीके से गुप्त भी थे, चालाक भी होना चाहिए, कुल मिला जुलाकर साम दाम दंड भेद ये उसके पास होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से जिस तरीके से सामंत, उसी तरीके से बेटे भी होते हैं। तो गुप्त वंश की अगर हम बात कर लेते हैं तो पूरे सामंतों में गुप्त वंश उभर के आते हैं, क्योंकि इनके पास ये चारों चीजें थी, सामदाम दंड भेद, जो कुषाणों के पतन होने के बाद हो जाते हैं। अब देख लेते हैं मित्र, गुप्त वंश की अगर हम बात कर लेते हैं तो गुप्त वंश का टाइम पीरियड कितना है? गुप्त वंश का टाइम पीरियड 275 AD से लेकर 550 ईस्वी तक अगर हम देखें तो गुप्तों का शासन चलता है प्रभावशाली के रूप में, तो बहुत कम समय तक चलता है। प्रभावशाली के रूप में स्कंदगुप्त तक ही चलता है। किसके तक कालिकता है? स्कंदगुप्त। उसके बाद स्कंदगुप्त के बाद जितने भी शासक आते हैं मित्र, वो उतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होते, यानी कि गुप्त वंश अपने पतन के कगार पर आना प्रारंभ हो जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि गुप्त वंश के कौन कौन शासक थे। अभी आपने देख लिया कि गुप्त वंश कहाँ से निकला है, तो कुषाण से निकला हुआ था। गुप्त वंश के पहले भारत की स्थिति क्या थी उसको आपने देख लिया था। अब गुप्त वंश के समय देखते हैं क्या स्थिति है, उसको भी देख लेते हैं, फिर गुप्त वंश के बाद की भी स्थिति देख लेते हैं, और फिर आपस में आप एक दूसरे से जोड़ भी लेना, क्योंकि इतना डिटेल से बता रहा हूं। गुप्त वंश में जो शासक हैं वो देख लेते हैं, टाइम पीरियड याद कर लीजिएगा, 275 AD से लेकर 550 AD तक। तो यहां से देखिए, कभी कभी पूछता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। और किसके समय सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है, किस शासक के से समय? तो भानुगुप्त। यहाँ से सिंपल सिंपल प्रश्न आ जाते हैं। अब आपसे पूछा जाए, कहीं आप पढ़ लेते हो कि भानुगुप्त के संदर्भ में एरण अभिलेख मिला था, वहीं से सर्वप्रथम प्रमाणित सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन अब आपसे कोई पूछ दिया जाए कि भानुगुप्त के पहले कौन है, भानुगुप्त के बाद कौन शासक हैं, अब इनका अस्तित्व क्या था, ये थोड़ा सा समझने में आपको कठिनाई उत्पन्न होती है। लेकिन अब आप थोड़ा सा समझ जाएंगे कि भानुगुप्त किसके बाद आता है, वानगुप्त के बाद आता है, और इसका टाइम पीरियड जो रहता है वो लगभग मान लेते हैं कि 400 यानी कि 500 ईस्वी के आसपास ही होता है, ठीक है, 500 AD के आसपास। कितने AD के बाद? 500 AD के पास। अब देखते हैं मित्र, अभी तक हमने कितने वर्षों के अध्ययन कर लिया, 1000 वर्षों का लगभग हमने अध्ययन कर लिया था, लगभग मोटी मोटा। यहाँ बिम्बसार से 544 BC से स्टार्ट किया था, अब यहाँ मैं 550 AD आ गया, तो BC और AD जीरो मान लेते हैं, BC और AD के 500 वर्ष उधर और 500 वर्ष इधर, 1000 वर्षों का इतिहास आपने अब तक पढ़ लिया है। लेकिन किसके संदर्भ में पढ़ा है? शासकों के संदर्भ में, एक दूसरे के लिंक स्थापित करने के संदर्भ में 1000 वर्ष हम आगे बढ़ाए हैं। अभी देखिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, श्रीगुप्त, घटोकच, चंद्रगुप्त प्रथम, कांच, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, यही चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने सख्त शासक किसको? रुद्रसेन तृतीय को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? रुद्रसेन तृतीय को पराजित किया था। इतने समय के बाद इनका जाकर पतन होता है, ठीक है। और बाकी मौर्योत्तर वंश के समय जितने भी विदेशी आक्रमण करता थे पतन, जितने भी मौर्योत्तर काल के भारत के वंश रहते हैं उनका भी पतन हो गया, ठीक है। अब गुप्त जो थे मित्र, ये पूछा जाता है कि ये वास्तव में रहने वाले कहाँ के थे, तो आप थोड़ा से ध्यान में रखिएगा, ये रहने वाले जो थे वास्तव में कौशाम्बी के रहने वाले थे, लेकिन एट लास्ट में ये अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं? ये अपनी राजधानी मगध को बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? मगध को बनाते थे। और कुषाणों ने कहाँ बनाई थी? मथुरा को बनाई हुई थी। और गुप्त कहाँ रहने वाले थे? कौशाम्बी के रहने वाले थे। राजधानी किसको बना ली? मगध को बना ली। तो इसी तरीके से एक चीज़ कहा जाता है कि जो मगध का एरिया था वो हर्यक वंश से लेकर यहाँ तक आते आते लगभग 1200 वर्षों तक मगध पूरे उत्तर भारत की राजधानी का क्या बना रहा? केंद्र बिंदु बना रहा, ठीक है मित्र। क्यों? क्योंकि गुप्तों ने भी एट लास्ट में मगध को ही राजधानी बनाता है। किसको राजधानी बनाता है? मगध को ही इन्होंने राजधानी बनाया हुआ था, ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और समुद्रगुप्त का आपने नाम तो सुना ही होगा।
समुद्रगुप्त, जिसे भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। तो यहां से ढेर सारे प्रश्न बनते भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनका क्रम याद होना चाहिए। प्रश्न यहां से कैसे पूछता है, जो इंपॉर्टेंट शासक होते हैं इनसे पूछा जाता है, ठीक है। एक और अब देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, अस्कंदगुप्त, पुरोगुप्त, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त, वानगुप्त, भानुगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त पूछा गया एग्जाम में कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, पूछा गया विष्णुगुप्त। एरण अभिलेख किसके समय पाया गया, भानुगुप्त, पूछा गया। होड़ों का आक्रमण, होड़ों का आक्रमण, होड़ भी एक तरीके से ईरान से आए हुए थे, ऐसा कुछ लोगों का कहना भी है, ठीक है, जो पहलुओं से ही बिलोंग करते हैं। तो हूड़ों का आक्रमण भारत में सर्वप्रथम किसके समय हुआ था, हूड़ समर रहे हो ना आप, वही हूड़ जो हूड़ के तीन प्रमुख शासकों की विशेष चर्चा होती है मित्र, एक मिहिर कोल, एक तोरणमल, एक शशांक, ये तीनों क्या थे, हूड़ थे, क्या थे, हूड़ थे। तो हूड़ों का सर्वप्रथम आक्रमण किसके समय हुआ था, तो आप ध्यान में रखिएगा, अस्कंदगुप्त, किसके समय हुआ था मित्र, हूड़ों का आक्रमण अस्कंदगुप्त के समय हुआ था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अस्कंदगुप्त के आते आते गुप्त वंश की स्थिति काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे यहाँ पर कमज़ोर होना प्रारंभ हो गई, और अस्कंदगुप्त के मरने के बाद गुप्त वंश एक तरीके से ठीक उसी ताज के पत्ते की तरह बिखरना चालू हो जाता है, जिस तरीके से औरंगजेब के मरने के बाद मुगल वंश का पतन होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ऐसे तुलना करके समान रूप से बता दिया ताकि आप तुलना करके जोड़ के पढ़ते रहना, ठीक है। तो इतना यहाँ पे देख लेते हैं कि अस्कंद गुप्त तक यहाँ पे ये स्ट्रांग गुप्त वंश बना रहता है, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं मित्र, जिस समय गुप्त उभर के आते हैं तो उस समय देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हूँ कि गुप्तों के सामने चुनौती बहुत थी, ऐसा नहीं था गुप्तों के सामने चुनौती नहीं थी। यहाँ पे जो थे वाकाटक थे, यहाँ पर वाकाटक अपना स्थिति बनाए हुए थे, यहाँ पर शकों ने अपना स्थिति बनाया हुआ था, यहाँ पे नागों ने अपना स्थिति बनाया हुआ था। इसके बाद देख लेते हैं कि इधर देखेंगे तो पल्लव वंश, और इधर देखेंगे कहीं ना कहीं बंगाल की तरफ हूड़ आना चालू हो गए थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि समुद्रगुप्त के समय अगर आप देखेंगे तो समुद्र, अब ये मगध मान लेते हैं, तो समुद्रगुप्त ने तो उत्तर भारत के 9 प्रांतों और दक्षिण भारत के 12 प्रांतों को तो विजित कर लिया था, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो था, चंद्रगुप्त प्रथम अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो ये नाग था यहाँ से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया था। कैसा संबंध, चंद्रगुप्त ने यहाँ पे नागवंश से वैवाहिक संबंध के माध्यम से कर लिया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि आकर शकों पर अभियान करके इसको मिला लिया, और वाकाटक से वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित कर लिया। तो चंद्रगुप्त इधर से इतना पोर्शन मिला लिया था, चंद्रगुप्त प्रथम इतना पोर्शन ऑलरेडी पहले मिला लिया था, और समुद्रगुप्त इतना अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, इसलिए गुप्तों ने भी अपना साम्राज्य का विस्तार भारत में काफ़ी अधिक तक कर चुका था, यानी कि इनके भी समय गुप्तों के समय भी केंद्रीकृत व्यवस्था बनी रही। लेकिन अस्कंदगुप्त के समय स्थिति कमजोर होने लगी, हूड़ों का आक्रमण भी होने लगा, और हूड़ भी क्या थे, विदेशी थे। जिस तरीके से विदेशी कौन थे, जिस तरीके से विदेशी मौर्यतर कालीन में मित्र हिंद एवं थे, पहलवों थे, शक थे, कुषाण थे, तो इनका आक्रमण पुष्यमित्र सुंग के समय हुआ, किसके समय हुआ, पुष्यमित्र सुंग का। और हूड़ों के आक्रमण गुप्त वंश के शासक किसके समय, अस्कंदगुप्त के समय हुआ। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत के किन किन वंशकों के शासकों में विदेशों का हस्तक्षेप कब कब आना प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे गुप्तों के समय याद करिएगा, यहाँ पे नाग थे, यहाँ पे वाकाटक थे, यहाँ पे पल्लव थे, यहाँ पर जो उड़ीसा वाला कलिंग वाला क्षेत्र था वो भी था, और यहाँ पे जो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन बने हुए थे, यहाँ पर शक बने हुए थे, कौन बने हुए थे, शक, कुषाण थे मित्र, ऐसा नहीं था, कुषाण फिर यहाँ से लेकर मथुरा से आकर यहाँ तक जम्मू कश्मीर वाले तहसीला वाले में अस्तित्व अपना बनाए हुए रहे, लेकिन ये पूरी तरीके से भारत में पलायन कर जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना ये गुप्त टाइम का ये पूरा टाइम पीरियड चलता रहता है, इस चीज़ को थोड़ा से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। थोड़ा से कपड़ा ले लें उसके बाद फिर। अब देखते हैं यहाँ पर ये लोकेशन आपने देखा किसके समय, ये लोकेशन मित्र आपने गुप्त वंश के समय देखा, किसके समय, गुप्त वंश के समय देखा, और यहाँ पर इनका एक तरीके से पतन हो जाता है, इनका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, गुप्तों का पतन हो जाता है। अब
गुप्तों का जब पतन हो जाता है तो गुप्त वंश के बाद अब आते कौन है, गुप्त वंश के बाद आते कौन है, तो यहां पे देखिए मित्र लिखा हुआ है क्या, वर्धन वंश। कौन लिखा हुआ है, वर्धन वंश। तो अब जरा देखते हैं मित्र कि जो वर्धन वंश की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक्चुअली में यहां पर 600 लिखा गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्धन की बात कर लें तो वर्धन भी अपना अस्तित्व मित्र ये बनाए हुए थे, ये लगभग ये भी 550 एडी के पास आ जाते हैं, यानी कि जैसे गुप्तों का यहाँ पे पतन का प्रारंभ होता है उस तरीके से यहाँ पे ये लोग भी आना प्रारंभ हो जाते हैं, कौन, वर्धन वंश। लेकिन एट लास्ट में यहाँ पे देखिए लिखा गया है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। अब सवाल ये होता है कि 550 एडी से लेकर लगभग 600 एडी के बीच तक का समय क्या चलता है, तो अब गुप्तों का तो पतन यहाँ से हो गया, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि 550 से लेकर 606 एडी तक के बीच का समय क्या होता है। तो मित्र थोड़ा से आप ध्यान में देखिएगा, ये अपने आप में इतिहास का एक अंधकार युग है, लेकिन फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करा देना चाहता हूँ, आप इसको भूलिएगा मत, क्यों, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब जरा आप देखिए हर्षवर्धन के समय या इसके पहले की स्थिति क्या होती है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, इसके पहले की स्थिति ये होती है कि हर्षवर्धन के आने से पहले क्या होता है, यहाँ पर वर्धन वंश भी अस्तित्व रहता है, एक वंश मोखरी भी रहता है और एक वंश यहाँ पर बल्लवी भी रहता है, बल्लवी को भी ध्यान में रखिएगा, मैत्रक के बल्लवी को याद ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैत्री बल्लवी और एक आप देखेंगे हूड़, ये भी आप थोड़ा से ध्यान में रखिएगा, और गुप्तों के भी सामंत यहाँ पर कहीं ना कहीं गुप्त थे, ये भी आप थोड़ा से ध्यान में रखिएगा, ठीक है मित्र। तो ये भी थे, इसके अलावा जम्मू कश्मीर का एक शासक था जिसका नाम था ललितादित्य मुक्तापिंड, ये भी था यहाँ पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्यों, क्योंकि ये अंधकार का इतिहास है, इसका लिंक आपको जोड़ने में कठिनाई होगी। अब आप जरा समझते हैं, यहाँ पर थानेश्वर में थानेश्वर वंश में वर्धन वंश रहता है, फिर यहाँ पर कन्नौज में मान लेते हैं मोखरी वंश रहता है, यहाँ पर मगध में गुप्त वंश के जो वंशज रहते हैं वो रहते हैं, और यहाँ पर हुड़ रहते हैं, और यहाँ पर बल्लवी रहते हैं, और इसी के पास मालवा के पास एक यशो वर्मन नाम का रहता है वो भी रहता है, और जम्मू कश्मीर में यहाँ पर ललितादित्य भी रहता है। ये गुप्त वंश के पतन होने के बाद स्थिति है। अब जरा हम पहले ये समझ लेते हैं कि हर्षवर्धन तो आता है 606 में आता है, लेकिन इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में आप जानते हैं इसके बीच में सब आपस में क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, बल्लवी भी युद्ध कर रहा था, यशोवर्मन भी युद्ध कर रहा था, मोखरी और गुप्त आपस में कर रहे थे, थानेश्वर अपने आप में लगा हुआ था, तो इस तरीके से पूरा अंधकार युग था। अंधकार का युग का मतलब इस समय भारत में कोई एक केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी कि जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो, सब अपने आप में संतुलन की स्थिति बनाए हुए थे। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे चर्चा कर देना चाहता हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जैसे ही स्कंदगुप्त का मृत्यु होता है वैसे ही 550 के बाद के आसपास मित्र हूणों का आक्रमण हो जाता है, जिसमें नाम आता है मिहिरकुल और तोरणमल का, उसने भारत को बहुत ध्वस्त किया था, बहुत ज़्यादा। यशोवर्मन जो भारत में था उसने हूणों को तो काफ़ी समय तक पराजित तो किया था, लेकिन यशोवर्मन के बाद जाने के बाद भारत में हूण पूरी तरीके से रौन डाले थे हर्षवर्धन के आने से पहले और स्कंदगुप्त के मर जाने के बाद। यहाँ पे हूणों ने आए और यहाँ उत्तर भारत की स्त्रियों से पकड़ पकड़ के जबरदस्ती करके शादी उनसे किया, बहुत ज़बरदस्ती उनसे पकड़ मजबूर कर दिया, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भी अमान्य विवाह हैं सारे विवाह उन्होंने कर लिया, राक्षस विवाह उन्होंने कर लिया, असुर विवाह, पैचास विवाह, ये तमाम प्रकार के ये विवाह कर दिए जाते थे, लेकिन वो विवाह बहुत ज़्यादा नहीं किए जो मान्य होते, क्यों, क्योंकि यहाँ की स्त्रियाँ कैसे स्वीकार कर लेती हूणों के, वो हूड़ जो एक तरीके से बहुत ही बर्बर थे, जंगली थे, असभ्य थे, दैताकार थे, तमाम प्रकार की यानी कुल शैतानी प्रवृत्ति के थे, उन्होंने यहाँ की स्त्रियों से जबरदस्ती शादी किया और यहाँ पर उन्होंने रहना भी कर लिया। इसी तरीके से भारत में
चलिए वो क्या बताया जाए। अब देखिए आगे देखते हैं, मतलब पूरा एक तरीके से क्या है, पूरा एक तरीके से संकर संकर की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है कि इतने ज़्यादा विदेशी आए हो आपस में शादी किए। इसके अलावा छोड़ो पुर्तगाली भी आए थे, आपने देखा था पिछले वाले वीडियो में। अब देखते हैं यहाँ पर इस तरीके से हूड़ों ने बहुत ज़्यादा भारत में वैवाहिक संबंध स्थापित किया, उन्होंने कल्चर भी स्थापित किया और बाद में एक दूसरे वंश में समाहित भी हो गए, पता भी नहीं चला कि कोई हूड़ है कि नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक समय था कि हर्षवर्धन के समय के पहले एक शासक का नाम आता है, ललितादित्य मुक्तापिंड। आपने नाम इसका बहुत कम सुना होगा, लेकिन आप सुन लीजिए, ललितादित्य मुक्तापिंड जो था वो बहुत कम समय के लिए, यानी कि एक तरीके से इसको तूफानी शासक के नाम से भी जाना जा सकता है। ललितादित्य मुक्तापिंड को एक तूफानी शासक के नाम से, तूफानी शासक के लिए, क्योंकि इस अंधकार युग में वो आता है। कहा जाता है कि वह बढ़ता है यशोवर्मन को पराजित करते हुए, इधर से पराजित करता हुआ दक्षिण भारत से होते हुए फिर इधर से निकल जाता है जम्मू कश्मीर में, फिर उत्तराखंड से होकर वो कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। किस समय आता है, इसी अंधकार युग में ललितादित्य मुक्तापिंड आता है, भारत में इतना अटैक करके चला जाता है। अब ध्यान में रखिए, अगर इस समय सिकंदर होता तो भारत की स्थिति क्या होती, या कुषाण भी होते तो क्या होती, क्यों, क्योंकि भारत में कोई मजबूत सत्ता थी नहीं इस समय, थी नहीं। दक्षिण भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी इतने टाइम पीरियड में, 550 से 606 के ईस्वी में कोई मजबूत स्थिति नहीं थी दक्षिण भारत में भी। पल्लव भी अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर पाए थे, कुछ चालुक्य ने भी अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर पाया था, और इसके अलावा चोल भी, चोल का पता ही नहीं था, एकदम भारत में सब बहुत स्थिति खराब थी। ये पूरा अंधकार का युग माना जाता है, किसका माना जाता है, अंधकार का युग माना जाता है। इसके बाद मित्र आता है हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन क्या करता है कि हर्षवर्धन मोखरी को मिलाता है, और मोखरी को मिलाते हुए जो गुप्त के सामंत रहते हैं उनको पराजित करता है, शशांक को पराजित करता है। यानी कि कहने का मतलब कि इस अंधकार युग के बाद स्कंद गुप्त, यहाँ पर देखिए स्कंद गुप्त के बाद अगर कोई शासक आता है तो वो कौन आता है, हर्षवर्धन आता है। कौन आता है, हर्षवर्धन आता है। अब जरा सोच सकते हैं कि 467 AD के बाद, अगर हम इसको मोटी मोटा मान लें कि 500 से लेकर 600, तब भी लगभग कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लगभग 150 वर्ष के बाद आता है हर्षवर्धन, 150 वर्षों के बाद। और 150 वर्षों के बाद जब हर्षवर्धन आता है तब ये बिंद पर्वत के जितने ऊपर वाले हिस्से रहते हैं सब पर इसने केंद्रीकृत सत्ता स्थापित कर लेता है, केंद्रीकृत सत्ता ये क्या कर लेता है, स्थापित कर लेता है। लेकिन उत्तर भारत में, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में प्रवेश नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि दक्षिण भारत में इस समय भी महान शक्ति का उदय होने लगता है। एक तरफ बादामी के चालुक्य का उदय हो जाता है जहाँ पे वाकाटक रहते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पल्लव वंश अपने आप को क्या कर लेता है, शक्तिशाली के रूप में उभार लेता है। उत्तर भारत में भी, मध्य भारत में और दक्षिण भारत में भी स्ट्रांग शक्तियां उभर जाती हैं, तीन तरीके से यहाँ स्ट्रांग शक्ति हो जाती है। इस समय 150 वर्षों के बाद यहाँ पे देखेंगे एक मजबूत सत्ता भारत में फिर उभर के आता है, जो भारत को केंद्रीकृत अपने अपने स्थानों पर बनाए रखते हैं। और चूंकि मैं यहाँ पर उत्तर भारत की चर्चा कर रहा हूँ तो इसलिए मैं दक्षिण भारत की तरफ अभी नहीं बढ़ूंगा। हाँ, इतना जानते रहिएगा कि जहाँ पर हर्षवर्धन का इस समय उदय होता है वहीं पर वाकाटक के स्थान पर, वाकाटक के स्थान पर बादामी के चालुक्य आ जाते हैं। और जो पल्लव पहले गुप्तों के समय बहुत कमजोर की स्थिति में थे वो भी अपने आप को मजबूत स्थिति में उठा लेते हैं। ठीक है, इतना चीज ध्यान में रखिएगा, हर्षवर्धन के समय भूलेगा तो नहीं, भूलेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान में रखिए, यहाँ पर कैसे ध्यान रखेंगे, अब हर्षवर्धन के पहले उत्तर भारत में स्थिति क्या थी, तो हर्षवर्धन के बाद अंधकार युग, अंधकार के बाद गुप्त युग, गुप्त के बाद सीधे कहाँ जाएंगे, मौर्यत्तर काल। मौर्यत्तर काल में मुख्य रूप से तीन हिंदू शासन और चार विदेशी आक्रमण, फिर मौर्यत्तर के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद फिर जाएंगे नंदवंश, नंदवंश के बाद जाएंगे नागवंश, और नागवंश के बाद जाएंगे हर्यक वंश, और फिर उसको आप शासकों के रूप में जोड़ते चलिएगा। ठीक, हाँ, लेकिन मैंने आपको बताया जिस समय मौर्यत्तर वंश चल रहा था
तो मौर्योत्तर वंश के यानी मौर्योत्तरकालीन चल रहा था, मौर्य वंश नहीं, मौर्योत्तरकालीन चल रहा था, तो उस समय यहाँ पर संगम वंश था। मौर्योत्तरकालीन में जिस समय यहाँ पे मौर्योत्तरकाल चल रहा था, इस समय यहाँ पे संगम वंश था। ध्यान रखिएगा, संगम वंश यही था, और संगम वंश मतलब चेर पांड और चोल, ये तीनों वंश यहाँ पे थे। और मध्य भारत में कौन था? सातवाहन वंश था। उत्तर भारत में कौन था? उत्तर भारत में चार विदेशी आक्रमण, एवन, शक, पहलवो, कुषाण और सुंग और कंडव। उड़ीसा में खारवेल, मौर्योत्तरकालीन के समय। फिर इनका पतन होता है तो गुप्त आते हैं, और गुप्तों के समय मैंने बता दिया कि यहाँ पे वाकाटक, सालक्यान, नाग, माथर, तेरकु, विष्णु, ये सारे थे, हूर, ये सब आ चुके थे। बाद में इनको कर करके एक एक करके पतन किया। हाँ, जहाँ पे सातवाहन थे यहाँ पे वाकाटक आ गए, जहाँ पे कुषाण थे यहाँ पे गुप्त आ गए, पल्लव यहाँ पर बने हुए थे, और ये जो थे पल्लव धीरे धीरे चेर और चेंद को क्या कर दिया, रौद देता है पल्लव। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और जब हर्षवर्धन का युग आता है, गुप्त के बाद हर्षवर्धन का युग, अंधकार के बाद हर्षवर्धन, तो यहाँ पर वाकाटक के स्थान पर बदामी के चालुक आ जाते हैं। पल्लव काफी दिनों तक रहते हैं यहाँ पर, पल्लव और स्ट्रांग अपने आप को कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वंशालियां बनाकर अध्ययन करना होगा। हाँ, ये बात अलग है कि मैं दक्षिण भारत के शासकों का नाम यहाँ पर नहीं लिखवाया हूँ, मैं यहाँ पर उत्तर भारत के जितने शासक हैं उन शासकों का नाम लिखवाया हूँ, और ख़ास तौर प्राचीन इतिहास के संदर्भ में। किस इतिहास के संदर्भ में? प्राचीन इतिहास के संदर्भ में। हाँ, थोड़ा बहुत इसलिए बता दे रहा हूँ कि ताकि आप जोड़ते रहिएगा, और जब अगला वीडियो आएगा तो इस वीडियो को उस वीडियो से मिलाकर जब पढ़ लेंगे तो इतिहास की पूरी समझ हो जाएगी। लेकिन ये टेलर के रूप में है मित्र, टेलर के रूप में। ठीक है मित्र, तो इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम फिर नए वीडियो के साथ, वो भी प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर शासकों की संख्या कम है तो उसमें मध्यकालीन को भी बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आने वाले वीडियो को भी निश्चित देखिएगा। अगर आप कम से कम इतिहास, कम से कम समयों में इतिहास की एक समझ बनाना चाहते हो, मैं गारंटी देता हूँ मित्र कि अगर आप इतिहास को पूरी तरीके से पढ़ते रहिए, जो नए स्टूडेंट हैं वो एक साल में भी इतनी समझ डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे जितनी डेवलपमेंट आपको मैं इतना समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो नेक्स्ट 5 वीडियो और आएंगे उसमें आप खुद से पढ़ लो, एक साल के अंदर नहीं समझ कर पाओगे आप जितना आप ये 6 वीडियो को देखकर समझ विकसित कर लोगे। और यकीन ना आए तो थोड़ा अपने आप को एक बार एनालिसिस करके जरूर देखिएगा। तो मित्र, इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।